हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हेयर्स को ड्रॉ करना सीखा था। इस वीडियो में हम इनकी ड्रेस, जो साड़ी इन्होंने पहनी है, उसको कलर करना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं कैमलिन के ब्रश पेन यूज़ करूँगी। उससे पहले जो भी इनकी साड़ी में कलर्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, तो उसकी हम पहले आउटलाइन को क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर की। जो भी शेडो एरिया है उसे भी ब्लू कलर की पेंसिल से हल्का सा कवर करते हुए चलेंगे। अभी बॉर्डर में जहाँ पर मुझे लाइट ग्रीन कलर दिखेगा थोड़ा सा, तो वहाँ पर ग्रीन कलर से बॉर्डर को क्रिएट कर रहे हैं। रेड ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ के रेड बॉर्डर के लिए रेड कलर यूज़ किया है। अभी मैं ब्रश पेन के यूज़ कर रही हूँ। रेड ब्रश पेन लिया है मैंने, और जो ब्लाउज़ का एरिया है सिर्फ उसमें बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर कलर फिल कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही एरिया है। इसके बाद जो ग्रीन कलर थोड़ा सा है जहाँ जहाँ पर, तो वहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। अभी साड़ी में स्किन कलर है बॉर्डर में, तो मैं वहाँ पर स्किन कलर का ब्रश पेन यूज़ कर रही हूँ। अभी जितनी भी हमारी साड़ी बची है वो सारी ब्लू कलर में है, तो अभी फाइनली मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्रश पेन यूज़ करने में इसके जो स्ट्रोक्स हैं वो हमें दिखते हैं कि हमने किस साइड को स्ट्रोक्स दिए हैं, इसलिए स्ट्रोक्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप ऐसे नहीं करिए कि एक आपका लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। थोड़ा सा एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो बाद में शेडिंग में थोड़ा लुक अच्छा रहेगा। अभी यहाँ मैं हैंड्स को कलर कर रही हूँ। उसके लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। स्किन का जो कलर होता है उसके लिए सबसे पहले हम ब्लैक, देन ब्राउन, देन लाइट होते होते स्किन कलर की तरफ जाते हैं। लास्ट में हम वाइट कलर और स्किन कलर से उसे ब्लेंड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड्स में स्किन कलर आ चुका है। अभी जो हमारा पल्लू का एरिया है उसमें हम शेडो के लिए, शेडो क्रिएट करने के लिए ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं। रेफरेंस को देखते हुए जहाँ जहाँ पर डार्क है, प्लेट्स आ रही हैं, जहाँ पर फोल्ड्स आ रहे हैं क्लॉथ्स के, वहाँ पर ब्लैक कलर को यूज़ करेंगे। ब्लैक कलर से शेडो क्रिएट करने के बाद मैं ब्लू कलर की पेंसिल ले रही हूँ, ये डॉम्स की है। ब्लू कलर पेंसिल लेके मैं थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर को, जिससे कि जो ब्रश पेन के जो स्ट्रोक्स हैं वो पूरी तरह से छिप जाएं और पेंसिल का जो ब्लू है, ब्लूनेस, वो हमें शो हो। अभी पीछे के लिए कलर जहाँ पर ब्लू है वहाँ पर भी मैं ब्लैक ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। क्लॉथ्स में जो फोल्ड पोर्शन होते हैं, जो भी शेडोज़ होती हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट ब्लैक पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर रेफरेंस में ब्लैक नहीं शो हो रहा है तो आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जितना भी ब्लू पोर्शन था साड़ी में, पल्लू में, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी ब्लाउज़ का रेड जो कलर है वहाँ पर शेडोज़ क्रिएट करने के लिए और बाकी साड़ी में शेडो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। टिल देन, बाय बाय।